हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर शोडाउन की बड़ी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, फाइनली खत्म हो चुका है सुपर शोडाउन और हमें इस पेपर व्यू में काफी मजा आया है। काफी सारे शॉकिंग मूवमेंट्स, टाइटल चेंजेस एंड जबरदस्त रिटर्न देखने मिले हैं हमें इस शो में। तो आखिर कौन सी बड़ी चीजें लीक हो गई है या फिर क्लियर हो गई है आफ्टर सुपर शोडाउन, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, बात करें पूरे सुपर शोडाउन के एपिक थिंग्स की, तो हमें वो स्टार्टिंग से ही देखने मिली थी। तुवेक ट्रॉफी के गॉन्टलेट मैच के एंड में हमें अंडरटेकर की एंट्री देखने मिलती है, जो रिप्लेस करते हैं रे मिस्टीरियो को और एक ही चोक स्लैम से एजे स्टाइल्स को पिन करके जीत जाते हैं ये मैच, और ऐसे तुवेक ट्रॉफी जीत जाते हैं। उसके बाद हमें फाइनली मिज एंड जॉन मॉरिसन जीतते हुए देखते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स न्यू डे को हराकर, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों, उसके बाद रिकोशेट वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में फॉर WWE चैंपियनशिप, ब्रॉक लेसनर रिकोशेट को लेस देन 2 मिनट्स में हरा देते हैं और रिकोशेट ब्रॉक लेसनर को एक भी ऑफेंस नहीं दे पाता। हाँ, स्टार्टिंग में ड्रॉप किक दे पाता है, बट ब्रॉक लेसनर उसको तोड़ के रख देते हैं और उसको बच्चे की तरह यहाँ वहाँ फेंकते हैं। दोस्तों, आपको देखना चाहिए था, रिकोशेट रेफरी एंड रिंग अनाउंसर से भी छोटा लग रहा था और रिकोशेट के मैच के पहले एक्सप्रेशंस भी बता रहे थे कि उसके काफ़ी लगने वाले हैं मैच के बाद, तो ये काफ़ी अच्छी बुकिंग थी पॉल हेमन की तरफ से। तो अब एक टाइप से फिक्स हो चुका है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 36। और दोस्तों, बात करें रोमन रेंस एंड बैरन कॉर्बिन की स्टील केज मैच की, तो ये मैच भी काफ़ी अच्छी हुई है और इस मैच में स्टील चेन का काफ़ी यूज़ हुआ है और उसी से रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच मारा है बैरन कॉर्बिन को और पिन करके ये मैच जीत लिया है। अब दोस्तों, फाइनली रोमन रेंस छूट चुके हैं बैरन कॉर्बिन से। एंड दोस्तों, इन द मेन इवेंट गोल्डबर्ग ने हरा दिया है द फीड को और जीत लिया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गोल्डबर्ग को यूज करने पड़े 4 स्पियर और एक जैक हैमर फीड को हराने के लिए, और फीड ने भी मैंडेबल क्लॉथ दिया है गोल्डबर्ग को, पर गोल्डबर्ग ने उसको तगड़ा जवाब दिया और ये मैच आसानी से जीत लिया फीड को स्क्वॉश करके इन लेस देन 2 मिनट्स। तो दोस्तों, ये मैच देखकर और इस मैच का रिजल्ट देखकर बहुत सारे स्पार्क्स लोग की जली है, जो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने आपको कहा था ना, जब जब इनकी जलती है, जब जब ये रोते हैं इंटरनेट पर, तब तब चीज़ें अच्छी हो जाती है। देखा आपने सुपर शोडाउन कितना अच्छा हुआ। आप तो इंटरनेट देखिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो स्मार्क्स है वो साशा बैंक्स को गोल्डबर्ग से बेहतर बताते हैं एंड रिकोशिट को ब्रॉक लेसनर से भी बेहतर बताते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या हालत हो गई होगी ये सुपर शोडाउन देखकर। तो दोस्तों, इन शॉर्ट हमने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्डबर्ग ही जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप और वही हुआ, और ऐसे प्रोबेबली हमें गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने मिल सकती है एट रेसलमेनिया 36 फॉर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। वो इसलिए क्योंकि गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस ज़्यादा ड्रॉ करेगी रोमन रेंस वर्सेस द फीड से। और दोस्तों, आपने नोटिस की होगी एक बात कि जब यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतकर गोल्डबर्ग सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी द फीड उनके पीछे ही खड़े थे काफ़ी गुस्सा होकर, और ऐसे लगा कि वो गोल्डबर्ग को अटैक करेंगे, बट फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या फीड का अनफिनिश्ड बिजनेस है स्टिल गोल्डबर्ग के साथ, और क्या द फीड पार्ट हो सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप का एट रेसलमेनिया, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों, शो खत्म होने के बाद रोमन रेंस का इंटरव्यू हुआ, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे एक टॉप पोजिशन में पहुँच जाते हो जहाँ पर सभी लोग आपको चैलेंज करते हैं, और बैरन कॉर्बिन नो डिफरेंट थे। और रोमन रेंस ने ये भी कहा कि ये जो उनकी कॉर्बिन के साथ स्टील केज मैच थी, वो सेकेंड स्टील केज मैच थी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि फर्स्ट स्टील केज मैच में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को केज के थ्रू स्पीयर दे दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी रेडी है नेक्स्ट चैलेंजर को फेस करने के लिए, और अब वो आ रहे हैं स्मैकडाउन में। और दोस्तों, उसके बाद न्यू यूनिवर्सल चैंपियन द गोल्डबर्ग का भी इंटरव्यू हमें देखने मिला, जहाँ पर गोल्डबर्ग ने कहा कि कैसे सऊदी अरेबिया में कम्पीट करना उनके लिए एक प्रिविलेज है, एक ऑनर है, और कैसे वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप सेकेंड टाइम जीतने के बाद, और कैसे उनको द फीड को रिपीटेडली हिट करना पड़ा था और उन्हें द फीड को ऑफ गार्ड लेना था जैसे उन्होंने लिया था ब्रॉक लेसनर को, और वो काफ़ी खुश है द फीड को हराकर। तो दोस्तों, ये था कहना द न्यू यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग का आफ्टर इज विन ऑन फीड। तो काफ़ी स्मार्क्स ये कह रहे हैं द फीड का मोमेंटम टूट गया, गोल्डबर्ग को नहीं जीतना चाहिए था। दोस्तों,
हमको सिर्फ ये करना है कि हमें हंसना है इन पर, क्योंकि जब हमारे गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और करण रॉस्टर के भी बिग गाइस जब हारते हैं, ह्यूमिलिएट होते हैं, तभी ये लोग काफ़ी मज़े लेते हैं, काफ़ी हंसते हैं। तो आज हमारा दिन है हंसने का इन पर। और जो लोग कह रहे हैं कि द फीन का मोमेंटम चला गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फीन ने गोल्डबर्ग के 4 स्पीयर नो सोल्ड करे हैं, और वैसे भी गोल्डबर्ग जैसे बड़े सुपरस्टार से हारने के बाद फीन कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो चुके हैं। और डिस्ट्रॉय की बात करें तो फीन तो काफ़ी पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे जब सेथ रॉलिंस ने उन्हें एक टाइप से तोड़ दिया था हेल इन अ सेल में। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग कि गोल्डबर्ग ये मैच जीत गए हैं और बन चुके हैं हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, जिससे हमें बहुत बड़ी ड्रीम मैच देखने मिल सकती है रेसलमेनिया, जो कि हो सकती है विद रोमन रेंस। और ये मैच सबसे ज़्यादा मनी ड्रॉ करेगी एंड प्रोबेबली होगी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। और आपको ये भी पता होगा कि कल के स्मैकडाउन में आने वाले हैं जॉन सीना, तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि जॉन सीना के क्या होते हैं प्लान्स कल के स्मैकडाउन में। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, आपको कैसे लगा सुपर शोडाउन का पेपर व्यू, एंड सेकेंड, आपको कैसे लगा जब गोल्डबर्ग जीते यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिन को हराकर। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। Peace out.